सोढ़ी, अगर तुम भांगड़ा में चैंपियन हो तो मैं अपना गरबा में चैंपियन है। कंपटीशन ऐसी चीज का करो जो करने में तुम दोनों माहिर हो। टप्पू के पापा को और सोढ़ी भाई को, दोनों को पतंग उड़ाना अच्छा आता है, तो करो रेस। लेकिन जो हारेगा वो क्या करेगा? जो हारेगा वो गधे पे बैठेगा। क्या? माता जी, टप्पू के पापा को शक्ति देना कि पतंग का मुकाबला जीत जाए। माहौल में बहुत ज्यादा टेंशन है। ये गोकुलधाम सोसाइटी का टेरेस, आसमान बिल्कुल साफ है, माहौल में तनाव है। दोनों टीमें खड़ी है, एक तरफ है जेठालाल की टीम, एक तरफ है सोढ़ी की टीम, और दोनों ने बहुत शानदार खेल का प्रदर्शन किया है। लेकिन अब आ गया स्लॉग ओवर, और आखिरी ओवर में कौन कैसी बल्लेबाजी करेगा ये तो पता चलेगा इन दोनों बैट्समैन के ऊपर, उनकी टीम पे, क्योंकि स्कोर बिल्कुल बराबर है। एक तरफ है 19 और दूसरी तरफ भी है 19। अब एक पतंग का फासला है सोढ़ी, जेठा और गधे के बीच में, बीच में गधा, इधर सोढ़ी, उधर है जेठा, यानी कि सोढ़ी और जेठालाल गढ़ा, अब सामने खड़ा है गधा। अब कौन बैठेगा इसका फैसला करेगी एक पतंग। कम ऑन रोशन, जल्दी पकड़ो, काट लो काट लो। अब ये बेसे भी काटता हूँ, मैं जीतने वाला हूँ। गधे पे बैठने के लिए तैयार हो जा। शहीद हो जाऊंगा पर पतंग नहीं कटने दूंगा। ए भाई जरा शांति से बोल वरना ऐसे ही शहीद हो जाएगा। सोढ़ी तुम्हें ये मैच किसी भी हालत में जीतना है। बिल्कुल। अगर ये जीतोगे ना तो कल से जेठालाल का नाम जेठालाल गढ़ा नहीं तो? जेठालाल गधा हो जाएगा। चल 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 चल, तू देख पापा, घिसो घिसो घिसो। डोबी हमारी पतंग कटी, उसमें क्या खुश हो रही है तू? पोपट, ए कौन बोला, कौन बोला पोपट? मेरा पोपट नहीं हुआ है, ये सोढ़ी का पोपट हुआ है। ए हार गया सोढ़ी, गधे पे बैठने के लिए तैयार हो जा। नहीं नहीं नहीं, पहले तुम्हारी कटी है, तुम गधे पे बैठोगे। ए चल चल, ए चश्मे का नंबर बदल, पहले वो सोढ़ी का कटा है। अरे नहीं, तुम्हारी कटी है, देखो मैं एक शिक्षक हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तू शिक्षक नहीं, तू तक्षक है, तक्षक। तक्षक? ए मैं जीत गया तो मेरे ऊपर चलते हैं भक्षक। भक्षक? और नहीं था क्या, सोढ़ी का रक्षक। अरे सोढ़ी, अगर गधा चलाने में तकलीफ हो तो इसका ड्राइवर पे बैठे ना आगे, ऐसे तकड़क तकड़क करके चलेगा गधा। जेठालाल देखो अपनी हार मान लो, नीचे गधा तैयार, उस पे बैठ जाओ जाके चुपचाप। पहले वो सोनी का कटा है। ओए तेरी कटी चल रही है तुम्हारी। हार गया तू। अरे तुम्हारी कटी पहले। आता मैं भी आता हूँ। अरे पहले तुम्हारी कटी। अरे कर दे तुम्हारी कटी। अरे कर दे कटी। अरे क्या कर रहे हो यार? एक मिनट एक मिनट। मैंने जंग लव्स क्या कहा, आपने सीरियसली ले लिया? अरे ये उत्सव है, इसे उत्सव रहने दो, पतंग कटाने को अपनी नाक कटाना मत समझो। अरे भाई गरबा हो या भांगड़ा, मजा तो नाचने का लेना चाहिए ना। आज जीत हार कुछ नहीं है, पतंग उड़ाने का मजा लो। ये सोढ़ी को समझाओ। अरे मैं समझा रहा हूँ भाई तुम दोनों को। अरे मेहता साहब आप एकदम सही बोल रहे हैं, ये पतंग उड़ाते उड़ाते ये जेठा और सोढ़ी का दिमाग भी पतंग की तरह उड़ने लगा है। ओए रोशन, ओए जेठा परा,
जैसे हम सब लोगों ने लोहड़ी का मजा लिया है, वैसे तुम लोग पतंग का मजा लो भाई। ओ चाचा जी, बात तो आप सही कह रहे हो। ओए जेठा प्रा, यार मुझसे गलती हो गई, मैनू माफ कर दे यार। नहीं छोटे, गलती मुझसे हुई है, तू मुझे माफ कर दे भाई। और नहीं जेठा प्रा यार, गलती मुझसे हुई है तो मुझे माफ कर दे यार। देख छोटे, चाचा जी जब भी समझा रहे थे तभी मुझे अंदर ही अंदर वो गलती महसूस हो रही थी, मैं बोल नहीं पाया, तू पहले बोला, लेकिन सोचा मैंने पहले, तो पहले तू मुझे माफी दे दे भाई। जब गलती मुझसे पहले हुई है तो यार तू मुझे पहले माफ कर दे। आवाज नीचे करके बात कर छोड़े, गलती मैंने की है ना तो आवाज मैं ऊंचा करूंगा, तू नहीं करेगा, माफी दे मुझे। गलती मुझसे हुई है रोशन सिंह, सॉरी से हुई है तो तू मुझे माफ करेगा। माफी दे रहा है कि नहीं दे रहा है तू? चुप रहो, क्या कर रहे हो तुम दोनों फिर से? ए जेठिया, तू फिर से गलती कर रहा है, है? बेवकूफ कहीं का, अरे तुझे तो है ना पतंग के साथ बांध के हवा में उड़ा देना चाहिए। तो फिर अंकल गधे पे कौन बैठेगा? कोई नहीं बैठेगा बेटा। तो गधे का खर्चा पॉकेट में? क्यों, तू है ना अब्दुल, तुझे बिठा देंगे। अरे भाई अब्दुल ऐसा बोल कि गधा बेइज्जत होने से बच गया। अच्छा बापूजी, नीचे उंधी और पूरी तैयार है तो हो जाए। अरे नहीं नहीं बहू, रुक जा, अभी तो उत्तरायण शुरू हुई है, अभी तो सबको साथ में मिलकर पतंग उड़ा ले तो दे। बिल्कुल ठीक कहा चाचा जी आपने। अरे भाई आज उत्सव है, हमारा देश किसके लिए जाना जाता है? उत्सवों के लिए ना। उत्सव में हम सब कुछ भूल जाते हैं और एक ही भाषा याद रहती है, प्यार की भाषा, प्रेम की भाषा, वाह स्नेह की भाषा। तो आओ हम सब मिलकर स्नेह की भाषा बोलते हैं और पतंग उड़ाते हैं। अय्यर साहब एक बार ध्यान रखना, अगली संक्रांति में लुंगी मत पहन लेना, पता नहीं कब क्या हो जाए। आप भी क्या मजाक करते हैं। पर एक बात है, सबने क्या जोश से पतंग उड़ाई है, औरतें आदमी सब। मैं ही मिस कर गया बस पतंग उड़ाना। मेहता साहब ये लीजिए, खास आपके लिए जवेरी बाजार से आदमी बेच के पान मंगाए। वही वाला? थैंक यू। जेठालाल मुझे मत देना, मैं नहीं खाता। तुम्हारे लिए मंगाया भी नहीं है भाई। अरे वैसे भी ये जान खाता है, पान थोड़ा ही खाता है। क्या कहा आपने मेहता साहब? अरे नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अय्यर को भी तो पान खिलाओ जेठालाल। किधर है अय्यर भाई, किधर है? अरे जेठालाल मैं यहाँ पर बैठा हूँ। वाह 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 वाह, पूरे यारों की मंडली यहाँ ही जमा है। क्या बात है छोटी, कहाँ से आ रही है सवारी? अरे भाई छोटी, कहीं पार्टी करके तो नहीं आ रहा? और नहीं मेहता साहब, चाचा जी को स्टेशन चढ़ा के आ रहा हूँ। हेलो चाचा जी, इतनी जल्दी चले भी गए? हाँ चले गए, और बहुत खुश होके गए। आप सबकी बहुत तारीफ कर रहे थे। अच्छा, कह रहे थे यार तेरे गोकुलधाम सोसाइटी के जो लोग हैं ना बड़े प्यार भरे हैं, मुझे पंजाब की बिल्कुल याद नहीं सताई। यारो आप लोगों ने ना मेरी रोशन सिंह सोडी की इज्जत रख ली यार। यारो मैं तुम सबका एहसान मंद हूँ यार, इतना खुश हो गए हैं ना पूरा परिवार। और हाँ चाचा जी ने अगले साल की लोहड़ी पूरे गोकुलधाम सोसाइटी को पंजाब में मनाने का इनविटेशन दिया है। चलो हम तैयार है। एक मिनट, सारे गोकुलधाम सोसाइटी वाले अगर वहाँ पे आएंगे तो उनके रहने खाने का इंतजाम हो जाएगा वहाँ पे? ओए छड़ ना यार पीड़ेपरा, जितनी बड़ी अपनी गोकुलधाम सोसाइटी है ना उतना बड़ा चाचा जी का दिल है, तू जाने की तैयारी कर पिड़ो। सोड़िए क्या भीड़ू भीड़ू लगा के रखा है तुमने? हाँ देख मेरा नाम है आत्माराम भिड़े, समझे? ओए ठीक है, आप दिल पे मत लीजिए भिड़े जी। छोड़ क्या छोड़ू यार, अरे उंगली छोड़। वैसे ही पतंग उड़ा उड़ा के उंगली कट गई है मेरी। ओए तू कब पतंग उड़ा रहा था?
तू तो पीछे फिरकी पकड़ के खड़ा था ना। समझा नहीं छोटी भाई, वो क्या है लोगों को दूसरों की बातों में टांग अड़ाने की आदत होती है ना, ये अपने भिड़े भाई उंगली अड़ाते हैं तो कट गई। देखो जेठालाल तुम तो बोलो ही मत, एक तो तुम्हारी वजह से सोसाइटी को फालतू का खर्चा हुआ है। क्या खर्चा हुआ भाई? वो गधे को बुला लिया, शर्त लगाई थी ना तुम बैठे ना ये बैठा। भाई तुमको इतना वसूली करने का था तो तुम खुद बैठ जाते गधे के ऊपर, है दो चार राउंड मार लेते सोसाइटी में। ओहो सुखी इंसान। सुखी इंसान किस लिहाज से? अरे भाई जिसकी बीवी मायके गई है वो सुखी नहीं तो और क्या है? आपकी बीवी मायके जाती नहीं और मेरी बीवी मायके जाती नहीं है। यानी कि हर वो इंसान दुखी है जिसका पड़ोसी सुखी है, है? क्या कुछ समझ में नहीं आया, क्या बोल रहे हो? अरे भाई मेरे कहने का मतलब ये है कि सुबह ही सुबह क्या बीवियों की बुराई करने आए हो यहाँ पे? अरे नहीं भाई नहीं। फिर एक्सक्यूज मी मेहता जी। हाँ हाँ कोमल भाभी। कल आप घर पर नहीं थे तो आपका कुरियर मैंने कलेक्ट किया था। ओह सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। और कमल भाभी डॉक्टर हाथी की क्या खबर है? अरे भाई वो पतला होने गए तो वापस आ रहे कि नहीं, किधर है किधर? बस दो चार दिन में आनी चाहिए। अच्छा नहीं वैसे मुझे कोई काम नहीं है, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। थैंक यू कमल भाभी। वेलकम। ओके बाय बाय बाय। बहुत बढ़िया, वाह वाह कमाल है। अरे ऐसा क्या देख लिया आपने? अरे जेठालाल ये लाइफ की सिक्योरिटी का सबसे बेहतर प्लान है देखो। अच्छा कैसे? अरे ये एक ऐसा इंश्योरेंस का प्लान है जिसमें ज्यादा मिलेगा। लाइफ तो इंश्योर्ड है ही, उसके अलावा आपके इन्वेस्टमेंट्स पे रिटर्न भी बहुत अच्छा मिलने वाला है इसमें। समझा नहीं मतलब? देखो भाई जब हम जीवन बीमा कराते हैं तो इस प्लान में जीवन तो बीमा होगा ही, लेकिन उसके अलावा जो हम निवेश करते हैं इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर जो हमें आवक होने वाली रिटर्न वो भी बहुत अच्छी है इसमें। अरे वाह फिर तो बहुत बढ़िया स्कीम है, आप लेने वाले? भाई अरे मैं तो ले चुका हूँ तभी तो इतना समझा रहा हूँ तुम्हें। तो क्या बोल रहे हैं आप, मैं भी ले लो? अरे जेठालाल भाई जब मैं इसका फायदा उठा रहा हूँ तो तुम तो मेरे जिगरी दोस्त हो, मेरा जिगरी दोस्त फायदा नहीं उठाएगा? तो ठीक है वो एजेंट को मेरे पास भेज देना। क्या बात कर रहे हो, मैं तो उसे ऑलरेडी नंबर दे चुका हूँ, कांटेक्ट करेगा तुमसे वो। अरे वाह चलो मैं दुकान जा रहा हूँ। ठीक है ओके मिलते हैं बाद में। ऑलराइट। अरे मेहता साहब बहुत दिनों से एक बात पूछनी थी। पूछू बुरा तो नहीं मानोगे? अरे जेठालाल इसका मतलब तुम हमें जरा भी नहीं जानते। अरे हम यारों की बात का बुरा नहीं मानते, पूछो। ये अंजलि भाभी बहुत दिनों से मायके गई हुई है, नहीं मतलब आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा वगड़ा नहीं? वैसे मैं जानता हूँ आप दोनों बहुत समझदार है, आप दोनों के बीच में कभी झगड़ा होता नहीं है, लेकिन क्या आजकल टाइम बहुत खराब चल रहा है, कुछ बोल नहीं सकते। अभी मेरे वो एक काका थे वो कचरा काका, आपसे भी ज्यादा पढ़े लिखे समझदार सब कुछ फर्स्ट क्लास, शादी को इतने साल हो गए, अभी 5-6 महीने पहले की बात है, उनकी वाइफ गुणवंती काकी मैं क्या जा रही हूँ बोल के गई। तो गई तो गई, आई नहीं और आया क्या, तलाक का कागज बोलो। बिल्कुल सही कहा तुमने जेठालाल, तुमने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया है। मतलब वही कर रहा हूँ मैं, आखिरी खत लिख रहा हूँ आज अंजलि को, आना चाहे आए ना आना चाहे ना आए, मेरी जिंदगी में उसका कोई लेना देना नहीं है, हो जाए तलाक। आप जैसा समझदार इंसान डायरेक्ट ऐसा सीधा तलाक का निर्णय? देखो आपने इतनी बार मेरी मदद की है, इस बार मुझे आपकी मदद करने दीजिए, मुझे निकालने दीजिए अपना बम्बा। नो चांस जेठालाल, अब इस मामले में कुछ नहीं हो सकता, तलाक मतलब तलाक। ये गलत है, मैं अगर आप कहते हो तो मैं जाकर समझाता हूँ अंजलि भाभी को। चलो आप समझाएंगे? हाँ। आप समझाएंगे अंजलि को? जेठालाल तुम भी पता नहीं कल्पना में कहाँ पहुंच जाते हो। अरे भाई मेरे और अंजलि के रिश्तों की बुनियाद इतनी कच्ची नहीं है, अगर वो होठ है तो मैं मुरलिया हूँ, वो कागज है तो मैं कलम हूँ, वो दिल है तो मैं धड़कन हूँ। मतलब आप तलाक नहीं ले रहे हो ना? अरे सपने में भी नहीं मेरे भाई। अरे अंजलि गई थी शादी में कजिन की, शादी पूरी होती उसके पहले उसकी माँ बीमार हो गई, तो इन कामों में बिजी हो गई, थोड़े दिन में आ जाएगी ससुराल से, चिंता मत करो, तलाक वलाक नहीं है हमारा। तो वैसे आप लिख क्या रहे थे? तो फिर लिख तो तलाक का नोटिस ही रहा हूँ, तलाक देश के आकाओं के लिए। अरे भाई क्या हाल बना रखा है इस देश का, चारों तरफ भय भूख गरीबी, इन सब समस्याओं को लेके 26 जनवरी पे एक विशेष आर्टिकल लिख रहा था। बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास, लिखिए लिखिए, अगर मेरी मदद की जरूरत पड़े तो बेझिझक बोलना मुझे। आपकी मदद आर्टिकल लिखने में?
जरूर, थैंक्स जेठालाल। चलो चलता हूँ अभी। नहीं, नहीं, ओके बाय जेठालाल, बाय। हाँ हाँ टीचर, मैं भी उसको बहुत बार समझा चुकी हूँ हैंडराइटिंग के बारे में। नहीं नहीं, मेरे सामने ही बैठा है, मैं उसको समझा दूंगी। ओके सॉरी टीचर, ये क्यों है? ये हमेशा तुम्हारी हैंडराइटिंग के लिए कंप्लेंट आती है। हैंडराइटिंग सुधार बोले, हैंडराइटिंग सुधार, कहां से सुधरेगी? डॉक्टर का बेटा है ना। हेलो, अरे डॉक्टर साहब, पापा का फोन है। अभी हम आपको याद कर रहे थे। हाँ, ये क्या था? वो अच्छा अच्छा शायरी थी। हाँ क्या, आप कल आ रहे हो? कल आ रहे हैं। अच्छा बताइए, वजन में कोई फर्क पड़ा? 30 किलो का फर्क। वाह, दैट्स ग्रेट। हाँ हाँ, कल मिलते हैं। लव यू, बाय। 30 kg का फर्क। माफी भाभी। भैया टमाटर कैसे दिए? 12 रुपए किलो। अरे बाप रे, बहुत ज्यादा है, कम करो कुछ। हाँ? एक काम करो, 12 रुपए की आधा किलो ले लो, कम हो गया ना। क्या दया भाभी, सुबह सुबह आप भी। माधवी भाभी, माधवी भाभी। अरे अरे क्या बात है कोमल बहन, आप तो बहुत खुश नजर आ रहे हैं। क्या हाथी भाई ने आपको फोन पर आई लव यू कहा? आपको कैसे पता चला? देखा देखा, अरे 10 साल पहले टप्पू के पापा ने भी मुझे आई लव यू कहा था ना, तब मैं इसी तरह खुश हुई थी। कैसे आंटी? मतलब हाथी भाई का फोन आया था? हाँ पता है, वो कल आ रहे हैं। ओहो, अरे वाह। अरे कोमल भाभी, आप तो एकदम नवी नवेली दुल्हन की तरह शर्मा रही हो। आपको पता है ना, वो अपना वजन कम करने गए हैं। हाँ, हाँ। तो उनके वजन में पूरे 30 किलो का फर्क आया है। अबो भाई, 30 किलो, मतलब हाथी भाई तो एकदम पतले हो गए होंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस कोमल भाभी। थैंक यू। हाँ, हाथी भाई शिमला मिर्ची बनकर गए थे और कोल्हापुरी मिर्ची बनकर आएंगे। अब तो कोमल भाभी आपको भी स्लिम होना पड़ेगा। हाँ? पतला पतला। ओ कम ऑन रोशन भाभी, मैं तो स्लिम ही हूँ। कोमल भाभी, अपने आप को अगर आप स्लिम कहेंगे तो हम अपने आप को क्या कहेंगे? माचिस की तीली। राइट। यू नो, आज मैं ब्यूटी पार्लर जाने वाली हूँ। बराबर है, हाथी भाई हीरो बन गए हैं, तो अभी कोमल भाभी को भी हीरोइन बनना पड़ेगा ना। हाथी भाई तो पतले हो गए। हाँ। अब सोसाइटी में सबसे ज्यादा मोटा कौन? जेठा भाई। लीजिए, सुखद फोन आ गया कोमल भाभी के पास, डॉक्टर हंसराज हाथी का, कि लौट के आ रहा हूँ। और ऐसे ही लौट के नहीं आ रहे, लौट के आ रहे हैं अपने वजन में 30 किलो फर्क के साथ। 30 किलो का फर्क? Oh my God, मैं तो बहुत बेताब हूँ और उत्सुक भी ये देखने के लिए कि 30 किलो फर्क के साथ डॉक्टर हंसराज हाथी कैसे लगेंगे। आप भी बहुत उत्सुक है ना जानने के लिए? अरे होंगे क्यों नहीं, मेरे दोस्त जो ठहरे। लेकिन इधर मेरा एक दोस्त जेठालाल बहुत परेशान है कि अगर डॉक्टर हाथी को 30 किलो का फर्क आ गया तो वो सबसे मोटे रह जाएंगे सोसाइटी में। खैर ये तो बाद में हम सोचेंगे कि क्या होगा, लेकिन मैं अक्सर सोचता हूँ कि हम बाहरी फर्क और बाहरी आवरण को जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं। फर्क हमारे विचारों में होना चाहिए, फर्क हमारे भीतर होना चाहिए। बाहर का फर्क आपको बेहतर इंसान नहीं बनाता, बेहतर इंसान बनाता है आपके भीतर का फर्क। और अभी मैं चाहता हूँ कि आपके भीतर ये फर्क आए कि उदासियां छोड़ दीजिए और ठहाके लगाइए तारक मेहता का उल्टा चश्मा के साथ। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना, तो चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।